ठीक लग रही हो? ठीक है. दिस वॉज यस एंड दिस वॉज नो. लेट मी नो. बाय द वे गाइस, लुक एट दिस. इट्स स्कैरी. मेरा कर्टन उड़ के बाहर चला था. सो आई एम डन विद माई आई मेकअप. मैंने बहुत ही कम मेकअप किया है. बाय द वे गाइस, मेरा बर्थडे आने वाला है. Are you guys ready for the bounce? Hello everyone, this is Krisha Mukherjee and welcome back to my channel. So today I'm gonna make a makeup video जहाँ पर मैं अपना makeup करने वाली हूँ, क्योंकि comment section में काफ़ी लोगों ने काफ़ी time से बोला है कि make a makeup video जो आप natural makeup करते हो, क्योंकि मुझे makeup ज़्यादा करने का शौक नहीं है और मुझे ज़्यादा makeup करना आता भी नहीं है. So जो जितना भी makeup मैं करती हूँ, I'm gonna do that. Start करेंगे skin care से, कि मतलब कौन कौन से products मैं makeup से पहले use करती हूँ and then मैं कौन कौन सा makeup use कर सकती करती हूँ और कितना use करती हूँ. Okay? So let's go. So first of all, I use this is Pixi Glow Tonic. I just took bath and मैंने कोई स्किन केयर नहीं किया अभी तक. So I'm gonna use this so that अगर मेरे फेस में हल्का सा भी डर्ट है, कुछ भी हो, तो वो निकल जाए बस. I just shaved my face today. मैं हफ्ते में दो बार तो अपना शेव कर ही लेती हूँ, बिकॉज आई फील कि जितना आप अपने फेस को शेव करते हैं ना, उतना ही मेकअप और ज़्यादा अच्छा लगता है. दिस इज वॉट उर्फी ऑल्सो टोल्ड मी वंस. शी आई थिंक शी शेव्स हर फेस एवरी डे. लुक एट दिस, आई वॉश्ड माई फेस. व्हाट इज रॉन्ग विद इट? मैंने तो कुछ लगाया भी नहीं अभी तक. ओके, मुझे मज़ा आ रहा है एक्चुअली करके. सॉरी, बेयर विद मी. ऑलराइट, एंड नाउ इसको बाद में डस्टबिन में फेंक देंगे. एंड नाउ आई विल पुट सम लिप बम. I'm using this lip balm from By Terry and this is really nice. This has hyaluronic acid in it and lips ko ekdam thanda kar deta hai. I like it. So now I'm gonna use this from Joshua and pehle main rubber band nikal dunga. I'm not liking it. This is to calm your skin because mujhe thode se acne ho rahe hain. If you can see, and it is gonna rain guys. मेरी डे लाइट की बैन बच गई. आपको पता है मैं इस घर में इसलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली ए मुझे सी व्यू घर चाहिए था. बहुत टाइम से आई वाज मैनिफेस्टिंग इट एंड आई गॉट इट, थैंक यू गॉड. लेकिन उससे भी बड़ा रीजन जो है, यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी आ रही थी जब हम लोग यहाँ पे आए थे देखने घर. सो आई वॉज लाइक कि वाओ, यहाँ पे तो वीडियोज बहुत अच्छी बनेंगी. बट फॉर सम रीजन अभी मानसून है तो डेज आर वेरी ग्लूमी. बट एनी वे, दिस इज ऑल्सो गुड. व्हाट एवर गॉड इज गिविंग इज गुड. Thank you God. All right, after this I'm gonna use this from Charlotte Tilbury. So this has vitamin C, golden niacinamide, bahut kuch hai, theek hai. So I'm gonna use this. I really have to hydrate my face kyunki kal maine makeup kiya tha and then I made one audition video and to my skin bilkul bhi achhi nahi lag rahi thi aur makeup bilkul bhi set nahi ho raha tha. So I realized that I really need to, you know, put a lot of moisturizer, a lot of serum on my face so that makeup अच्छे से बैठे. अब हम use करेंगे CeraVe की ये वाली moisturizer because my skin थोड़ी dehydrated हो रखी है and I need to hydrate it. So आज ये वाला moisturizer use करेंगे. मेकअप अगर अच्छे से चाहते हो कि आपके फेस पे सेट हो जाए, एकदम यू नो अच्छा लगे, थोड़ा ग्लोई मेकअप हो, तो स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक पुट अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, अ लॉट ऑफ सीरम्स एंड ऑल एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो. आई एम हैविंग दिस चिया सीड वाटर. चिया सीड जो आपके स्टमक को ठंडा रखता है. अगर स्टमक ठीक है तो आपकी स्किन भी ठीक है. आई एम गोना यूज दिस सनस्क्रीन. आई नीड टू ऑर्डर फ्यू थिंग्स. मैं शॉर्ट्स देखती रहती हूँ यूट्यूब में और इतना ज़्यादा फैसिनेट हो जाती हूँ ना. लड़कियों के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, लाइक वो रिस्ट में जो रबर बैंड्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, नॉट रबर बैंड्स बट बैंड्स जो होते हैं बांधने वाले, सो दैट आपके स्लीव्स गंदे नहीं हों. सो वो सब मुझे ऑर्डर करना है. सो आई एम गोना यूज दिस पोर प्रोफेशनल फ्रॉम बेनिफिट, क्योंकि मेरे पोर्स हैं. इट्स सो नाइस एंड विंडी आउटसाइड. मैंने ए सी भी नहीं ऑन किया हुआ, बस विंडोज खोली हैं, पीछे देख रही हैं, हवा चल रही है बहुत सही.
एंड मैंने जो अभी रिसेंटली ट्रीटमेंट लिया था आई फील मुझे अभी नहीं लेना चाहिए था बिकॉज मानसून है, मानसून में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है स्पेशली सी साइड, तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्ने, सो मुझे अभी नहीं करवाना चाहिए था, बट अदरवाइज दैट ट्रीटमेंट इज रियली गुड, ज़्यादा बकबक नहीं करते. सो नाउ आई एम गोना यूज माई फेवरेट फाउंडेशन विच इज़ फ्रॉम एस्टी लॉडर एंड दिस इज माई शेड. मेरे पास काफ़ी सारे और फाउंडेशन पड़े हैं बट मुझे ये वाला फाउंडेशन जो है बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है. और बाहर से ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो मुझे ऊँचा बोलना पड़ेगा. सो जस्ट गोना क्विकली ब्लेंड इट. जो मैं मेकअप करती हूँ ना वही करके दिखा रही हूँ. अभी मेरे को यहाँ पे एक्ने हो रखा है, इसको उस पर हम मेरा फेवरेट कंसीलर लगाएंगे विच इज फ्रॉम टार्ट. आई रिसेंटली सॉ अ वीडियो वेयर अ गर्ल, उसने क्या किया था, शुड आई ट्राई इट. मैं एक्चुअली अभी स्किन थोड़ी वैसे इची इची हो रखी है तो मुझे नहीं करना चाहिए, बट आई विल ट्राई इट. सो वॉट डिड शी डू, हाँ सो उसने क्या किया था, शी यूज दिस ओनली दिस कंसीलर, और उसने जो लूज पाउडर होता है ना, आई थिंक इट वॉज लॉरा मर्सियर और कोई भी लूज पाउडर, इसने ये स्टिक लेके उसमें डिप किया और उसने एज अ फाउंडेशन लगाया एंड इट रियली वर्क. लाइक हुडा ब्यूटी ने भी ट्राई किया था ये और उसने अपने पेज पर भी पोस्ट किया था एंड इट वॉज लुकिंग क्वाइट गुड. आई डोंट नो, आई विल ट्राई सम टाइम बट नॉट राइट नाउ बिकॉज माय राइट नाउ मेरी स्किन वैसे थोड़ी अजीब सी हो रखी है, मेकअप जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है. ठीक लग रही हूँ, ठीक है. सो नाउ आई एम गोना यूज दिस कॉम्पैक्ट फ्रॉम शार्लेट विच इज माई फेवरेट. मैं लूज पाउडर नहीं यूज कर रही हूँ बिकॉज स्किन ऑलरेडी ड्राई हो रखी है, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस. I've seen a lot of people using a lot of makeup on their skin, on their face. मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेकअप कम लगाओ उतनी आपकी एज कम लगती है. जितना आप मेकअप ज़्यादा लगाओगे, फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना यू नो ज़्यादा ड्रामेटिक आइज करोगे, आपकी एज उतनी ज़्यादा लगती है. सो कीप इट सटल. हाँ लाइक ठीक है, लाइक इफ यू गोइंग आउट फॉर अ पार्टी एंड ऑल देन डेफिनेटली डू इट. देन ऑल्सो आई ट्राई नॉट टू, क्योंकि मैंने अपनी शादी में भी लिटरली बहुत ही कम मेकअप किया था. द मेकअप आर्टिस्ट वॉज रियली स्वीट, वेरी गुड एंड शी वॉज लाइक प्लीज कैन आई डू वेल. मैंने कहा हाँ मैम कर लो बट जितना कम से कम हो सकता है. सो नाउ आई एम गोना यूज दिस ब्लश ऑन. आई नो ब्लश ऑन यहाँ पे यूज करते हैं बट आई लाइक इट हियर, मुझे थोड़ा क्यूट लगता है एंड आई वॉन्ट टू लुक क्यूट टूडे. आपके चीक्स ही अजीब से नहीं लगे, सिर्फ अपने चीक्स लाल बंदर की तरह. आई लव मंकीज. तो बॉबी ब्राउन का जो ये जो ब्लश ऑन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई प्रेफर ब्लश ऑन्स जो ज़्यादा ग्लिटरी नहीं हो. आई डोंट नो, मुझे थोड़ा मैट लुक ज़्यादा पसंद है. ना अंगोना सम आई शेडो, बहुत ही हल्का सा लगाऊंगी. आई गॉट दिस फ्रॉम मनीष मार्केट फॉर 100 rupees. क्यूट है ना, एस्थेटिक भी है. दिस पैलेट फ्रॉम हुडा नूड एंड मैं ये यूज़ कर रही हूँ टेडी दिस वन. जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा देखती थी कि मेकअप आर्टिस्ट ब्लश ऑन सॉरी आई शेडो ऐसे लेके ऐसे ग्लो करते थे एंड मैं लाइक क्या, वाई आर यू यूजिंग, वाई आर यू वेस्टिंग इट. सो अब पता चला है कि करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लग जाता है एंड घिसना नहीं होता, जस्ट ऐसे करना होता है डैप 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 डैप. एंड ऑल्सो गाइस कोई और अगर आई शेडो पैलेट हो जो कि बहुत अच्छा हो, मोस्टली उसमें ब्राउन शेड्स हो, न्यूड शेड्स हो, तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना. उसके बाद मुझे एक और चीज़ शूट करनी है, उसके बाद मुझे अली के घर जाना है जैस्मिन को मिलने के लिए बिकॉज जैस्मिन ने जो है वो एक्सपायर्ड लेंसेज पहन लिए थे गलती से, किसी इवेंट के लिए गई थी दिल्ली में एंड उसकी आईज़ में इंजरी हो गई है एंड आई जस्ट हैड अ वर्ड विद हर, शी इज़ फाइन. अभी 2 दिन पहले हुआ था बट सो आई एम गोना गो मीट हर बिकॉज मेरे घर के पास ही है अभी. सो गाइज एकदम बादल आ गए हैं एंड आई थिंक मुझे लाइटिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि
क्योंकि मेकअप बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है. या इट्स नाइस नाउ, मैं बिल्कुल नेचुरल दिखाऊंगी. मेरा कर्टन उड़ के बाहर चला था. वेट, बाय द वे गाइस, लुक एट दिस, इट्स स्कैरी. लुक एट दिस, ये कैप्टन ने जो खा लिया है मेरा आधा ब्रश. एंड आई थिंक आई एम यूजिंग द रॉन्ग ब्रश. मुझे इससे थोड़ा सा छोटा ब्रश लेना चाहिए. लुक एट माई कर्टन, हाउ इज इट्स, हाउ इट्स फ्लाइंग. लुक एट द सी, इट्स सो ब्यूटिफुल. एक्चुअली लाइट यहाँ पे ज्यादा अच्छी है. शुड आई कम हियर एंड शो? वेट, अपना कर्टन बंद कर लूँ पहले. एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. वेट, मेरा फोन नहीं उड़ जाए. ओके, हाउ डू आई सी इसको, मुझे पकड़ना है. कम बैक साइमन, कम बैक. आई वोंट बी सो एंग्री. सो आई एम डन विद माई आई मेकअप. मैंने बहुत ही कम मेकअप किया है. एंड नाउ तो आई एम गोना यूज दिस काजल. आई डोंट नो कहाँ से है ये. रीकोड कुछ तो है, किसी ने तो भेजा था मुझे. सो मैं काजल यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बहन बोलती है बिना काजल यूज़ किए मैं थोड़ी बीमार सी लगती हूँ. या मुझ पर लाइनर नहीं सूट करता गाइस, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न. सी व्हेनेवर आई पुट लाइनर मेरी आँखें छोटी लगती है. I'm gonna smudge it anyway. एक बार किसी शादी में गई थी मैं अपनी फ्रेंड के, एंड दैट मेकअप आर्टिस्ट, उसने मेरे काजल भी लगा दिए नीचे, एंड देन शी यूज लाइनर ऑल्सो. एंड ट्रस्ट में मैंने मुश्किल से एक या दो फोटोज क्लिक करवाई होंगी, बिकॉज आई वॉज लुकिंग सो बैड, सो सो बैड. बट आई रियली वॉन्ट ट्राई वंस, लाइक विंग लाइनर जो लड़कियाँ लगाती हैं, वॉन्ट ट्राई दैट. दिस इज नाइस. By the way guys, मेरा बर्थडे आने वाला है. एंड आई एम गोइंग टू गुड़गांव. आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फैमिली. 4th August को मेरी बहन का बर्थडे है, एंड 12th August को मेरा बर्थडे है. वेल 12th को नहीं, मेरा बर्थडे 13th को होता है. इट्स अ स्कैम गाइज. मेरी नानी ने स्कैम किया मेरे साथ. शी सेड 13 जो तारीख होती है वो अच्छी नहीं होती है, अब शगुन होता है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. 13 नंबर इज रियली गुड. 13 नंबर इज शिवाज नंबर. सो दैट्स वाई बचपन से नानी ने वहम डाला हुआ था. मेरी बहनी नानी, थैंक यू. तो मैं अपना जो बर्थडे है वो 12th को सेलिब्रेट करती हूँ, बट एक्चुअल में 13th को है. सी गाइस कैन विश मी ऑन 13th ऑल्सो. आई एम गोना डू माई आईब्रोज, बिकॉज बिना आईब्रोज के बहुत ही अजीब लगता है. मैं मेकअप नहीं भी करूँ तो मुझे चलेगा, बट आई हैव टू डू माई ब्राउज. So I'm using this from Anastasia. I think बारिश खत्म हो गई है, मैं विंडो खोल के आई. इट्स लिटिल वियर्ड, धूप भी आ गई है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है. बचपन में कहते थे जब ऐसा होता था इसका मतलब ये है कि दो बंदरों की शादी हो गई है. आई डोंट नो अगर आपके बचपन में आपने सुना था कि नहीं, पर हमने 90s के जो बच्चे हमने यही सुना था. पहले मैं अपने ब्राउज बहुत ज़्यादा डार्क करती थी, लेकिन अब मैंने लाइट करना शुरू कर दिया है. एंड आज वाइल शेविंग माई आईब्रोज मैंने यहाँ से थोड़े उड़ा दिए. यस्टरडे आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद माई ऑडिशन, एंड देन आई टोल्ड माई सिस्टर अबाउट इट, एंड देन शी वॉज लाइक जब तक अच्छा फील नहीं होता है डोंट डू इट. सो आई एम रियली कन्फ्यूज, शुड आई रीशूट माई ऑडिशन और आई शुड नॉट, आई डोंट नो. यूनिवर्स, एम आई रेडी फॉर इट? यूनिवर्स इज गोना स्लैप मी. तेरे को इतना भी नहीं पता. सो नाउ वी गोना पुट मस्कारा. सो आई एम गोना यूज दिस मस्कारा फ्रॉम टू फेस. डैम गर्ल, लाइक आई ऑलवेज सेइंग, आई हैव टू से. यार मुझे ना लैश कर्लर लाना है. उस दिन चिकी ने मेरा मेकअप किया, लाइक ही वाज आस्किंग मी डू यू हैव लैश कर्लर, एंड आई वाज लाइक वाओ, आई नेवर थॉट ऑफ इट. लाइक मेरे पति ने मुझे बोला, एंड देन आई वाज लाइक नो आई डोंट हैव. I think it's high time I should get one. I miss dhoop yaar. Dhoop chahiye zindagi mein mujhe. Sun heals you. Agar aapka, if you're feeling sad, if you're feeling little low in life, the best medicine is dhoop. And I'm missing it. Ab mere samne mujhe dhoop nazar aa rahi hai thodi si kahin dur. But घर की तो नहीं है.
This year I will be 34. Can you imagine? I will be 34. Soon I will be 40. Oh my god! Sexy and 40. Doesn't rhyme though. पहले पहले ना बर्थडेज की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, लाइक व्हेन वी वर इन आवर 20s ना, बर्थडेज की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी. अब पता नहीं बर्थडेज की इतनी एक्साइटमेंट ही नहीं होती. लाइक माय सिस्टर शी आस्क्ड मी दैट व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे एंड आई वाज लाइक नथिंग एंड शी वाज लाइक व्हाट यू डोंट वांट एनीथिंग. मुझे पहले तो ऐसी लिस्ट रेडी होती थी कि आपसे ये चाहिए, आपसे ये चाहिए, मम्मा से पैसे चाहिए, पापा से पैसे चाहिए. एंड आई थिंक वी आर ग्रोइंग, हम बड़े हो रहे हैं लाइफ में. And I was like, no, I don't want anything. I just need blessings. So I'm just gonna dab, dab, dab the makeup. So I'm gonna use this lipstick from Anastasia, and the shade number is Dusty Rose Satin Lipstick. So I'm gonna use this. I become natural makeup. Nice to be natural, lag nahi rahi, but theek hai. इतनी लगाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे हम दिस लिप ग्लॉस फ्रॉम बॉबी ब्राउन एंड द शेड इज क्रश्ड लिक्विड लिप हिप्पी शेक. आई डोंट नो, जो भी है. सो आई एम गोना यूज दिस. सो दिस इज हाउ माय लिपस्टिक इज लुकिंग राइट नाउ. सो आई एम डन विद माय मेकअप. नाउ आई एम जस्ट गोना रिमूव दिस. Okay. Look at my hair. So I got this from Amazon and I want another one because Captain Ace kharab kar di already. And I'm quickly gonna brush my hair. Now for some reason maine just hair wash kiya hai, but now the chipchipahat is there. So I think it's the weather or maybe hum log सी साइड रहते हैं इस वजह से थोड़ा वो चिपचिपाहट है. इफ यू गाइज आर ऑल्सो फीलिंग द सेम ना, अगर वो चिपचिप थोड़ा सा ग्रीसी सा फील हो रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. तो मैं ज्यादा ओवर थिंक नहीं करूँ कि इट्स हैपनिंग विद एवरी वन, नॉट जस्ट मी. सो जस्ट ब्रशिंग माई हेयर एंड आई एम थिंकिंग शुड आई गिव द ऑडिशन अगेन. I should just wait for 2-3 days and just relax and give it. Choose one. This is what my husband does. Choose one finger. How will you choose? So what he does is like he वो choose करता है, choose करने को बोलता है, yes होगा या no होगा. So okay, let's just try. Choose one finger. Middle finger or this finger. Done. This was yes and this was no. Let me know. I've lost it guys. Are you guys ready for the bounce? Cuz I am. Oh my god. Look at the bounce guys. Look at me, I'm looking so pretty. That's why I hate wearing glosses. Chipak jate hain baal. So this is the final look. Even the cowboy is saying quang quang, it's looking pretty. I have given you food. That's Shaman, by the way, guys. And Captain doesn't like him. So, guys, this is my final look. This is how I'm looking right now. My eyes aise hain, aur my lips aise hain, aur my brow aise hain. This is my final look. Do let me know in the comments ki aapko mera look kaisa laga. और यही जो मेकअप है मैं मोस्टली करती हूँ, चाहे मैं शूट में हूँ, चाहे मैं कहीं शादी में जा रही हूँ, कहीं मैं बाहर जा रही हूँ. आई ऑलवेज डू दिस मेकअप. आई नो आई शुड लर्न समथिंग एल्स ऑल्सो स्पेशली विद द आईज, बट या दिस इज माई लाइक दिस इज कृष्णास मेकअप. दिस इज वॉट आई डू मेनली. एंड थोड़ा क्लोजअप लुक दे देती हूँ आपको. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि अगर आपको ये मेरा मेकअप वीडियो अच्छा लगा हो या नहीं. कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, प्लीज डू लेट मी नो. आई विल डेफिनेटली आंसर. एज यू गाइज नो, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मैं सारे कॉमेंट्स को, जितने भी आप लोग कॉमेंट करते हो उनको रिप्लाई करूँ.
सो डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा हो. इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया है. और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज गो वॉच अदर वीडियोज ऑल्सो, देर आर सो मेनी वीडियोज वेटिंग फॉर यू. एंड दैट्स इट, ये था आज का वीडियो. कीप ड्रिंकिंग वाटर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, लव योर सेल्फ एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. सो या दैट्स इट, आई लव यू गाइज. शुक्राना, थैंक यू, लव यू.